मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की रेसिपी फॉर द डे में हम सीखने वाले हैं लौकी का हलवा। तो उसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं शालू से कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। शालू, अगर आप हमें बता दें तो। इसके लिए हमें चाहिए एक लौकी जिसे मैंने कद्दूकस करके रख लिया है, ओके 2 स्पून देसी घी, एक कटोरी चीनी और 5 छोटी इलायची, सात बादाम और एक कटोरी नारियल का पाउडर। यहाँ मैंने खोया बना के रख लिया है 1 लीटर मिल्क से। इसकी जगह आप मिल्क भी यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस। ओके सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे, कढ़ाई ओके चढ़ाते हैं। अब इसमें घी डाल देंगे। हाँ अच्छा, घी डाल रहे हो? ओके अब इसमें और लौकी ऐड कर देंगे। ये लौकी डाल दी आपने, अब इसे अच्छे से चलाएंगे। पत्ता इसका पानी में सूख जाए तब तक चलाएंगे। ये जो मैंने सूखा के 5 इलायची ली थी, छोटी इलायची, वो ऐड कर देंगे। ओके ये मैंने नारियल का पाउडर लिया था, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको नारियल पाउडर अच्छा नहीं लगता तो स्किप कर सकते हैं। ओके थोड़े बादाम डाल देंगे, थोड़े डेकोरेट करने के लिए रखेंगे। डेकोरेशन तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना? हाँ जी, सब चीज़ डेकोरेट। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अभी हमारी लौकी पकनी स्टार्ट हो गई है, देखिए थोड़ा पानी थोड़ा सूख गया है। तो अभी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। हल्का हल्का पानी दिख रहा है? शुगर ऐड करेंगे धीरे धीरे। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर शुगर थोड़ा कम पसंद है। तो मैं एक बाउल यूज कर दी, एक कटोरी यूज कर दी। ये शुगर ऐड करके सब पूरी शुगर ऐड कर दी। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, काफी हद तक सूख गया। इसको ना लगातार चलाते रहना आपको, ताकि नीचे लग ना जाए गले में। ओके ठीक है, कलर चेंज होता रहे। अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, व्यूअर्स से दिखा रहा हूँ। हाँ कलर काफी चेंज हो चुका है, कितना सुंदर कलर है। बहुत ही कम टाइम में बनाने वाली रेसिपी है। हाँ ये तो फिर उन लोगों के लिए, जैसे मैं हो गया कहीं बाहर रह रहा हूँ या फिर कोई भी लोग जो घर से बाहर रहे, लड़के लड़कियाँ स्टूडेंट्स भी, अगर उनको कुछ फटाफट से क्विक कुछ डेजर्ट बनाना है, मीठा बनाना है, तो फटाफट बना के खा सकते हैं ना। हाँ गुड। चलो कब तक चलाना है इसको? जब तक इसका पानी सूख ना जाए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, काफी देर तक आप चला रहे हो ना। ओके तो तब तक इसको आप ऐसे मैश करते रहोगे, चलाते रहेंगे। ओके थैंक यू। पानी यहाँ सूख चुका है, आपको इसे मीडियम फ्लेम पे बनाना है, ठीक है। और जब आपका पानी सूख जाए तो इसे फ्लेम को कम कर देना। हाँ जैसे अब ये भी सूख गया पानी, तो आप फ्लेम कम करेंगे। हाँ फ्लेम कम कर दें। ओके फ्लेम कम कर दिए। मैंने यहाँ पर सिर्फ बादाम यूज़ किया है, अभी मेरे पास नहीं था लॉकडाउन की वजह से। बट आप इसमें काजू, किशमिश, पिस्ता, अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। हाँ उससे और टेस्टी हो जाएगा। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ओके क्या काफ़ी बिल्कुल सूख चुका है और ओके बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप 20-25 मिनट में तो बना सकते हैं। ओके हाँ काफ़ी जल्दी बनने वाली चीज़ है। इसमें खोया ऐड कर देंगे, कई लोग इसे मावल बोलते हैं, तो मैंने बताया कि आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिल्क डाल सकते हैं स्टार्टिंग में, इसको मिल्क में पका सकते हैं। लेकिन खोए का टेस्ट थोड़ा बेटर होता होगा ना? ऑप्शनल है, नहीं अगर आप दूध को भी 1 लीटर दूध को भी डाल के इसमें पकाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा अच्छा ये आप पूरा मैश कर रहे हो आपको एक उसमें।
ये पूरा मैच हो जाएगा ना इससे। हाँ जी, कितना अच्छा। हाँ ये पूरा मिक्स हो चुका है ना उसके साथ। कितना अच्छा लग रहा है, अलग लुक आता है यार, इसे बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। वाव, अभी तो आपने कम सामान भी काफ़ी कम डाला, सिर्फ बादाम ही डाला है आपने, तब भी इतना टेस्टी लग रहा है। आप सही कह रहे थे, अगर इसमें काजू बादाम और वो किशमिश भी हो तो एक अलग ही टेस्ट आएगा, लुक भी अलग आएगी। देखिए 15-20 मिनट हो गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया बिल्कुल। हाँ बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये तैयार है शायद वो? हाँ ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है ये। Okay. अब हम इसे सर्व कर देंगे। अब सर्व करने के लिए तैयार है मतलब ये हमारा हलवा बनके तैयार है। अब इसे गैस बंद कर देंगे, इसको बाउल में पलट देंगे और डेकोरेट करेंगे। अच्छा डेकोरेशन टिप्स भी देने वाली हो आप? हाँ जी, मैंने बादाम रखे थे, सिर्फ डेकोरेट कर देती हूँ। ओके, अगर आप पिस्ता काजू से और डेकोरेट करें बहुत सुंदर लग रही है। वाओ, आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो उसे कर सकते हो। खाने को ये आई थिंक डेकोरेशन इस पे ना टेस्ट पे चार चांद लगा देगी, देख के और ज्यादा मजा आ रहा है, कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए आपकी स्वीट डिश। तो हमारी स्वीट डिश तैयार है और अब हम इसे टेस्ट करने वाले लौकी का हलवा। तो अब हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले कि शरणी हम इसे स्टार्ट करें खाना, मैं अपने सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसे घर पे ट्राई करें, और अगर हमारी वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपको मिले। थैंक यू।